दादी अपना बहन घर भेज दिए वो कोहंडा और दादी यहाँ पानी पटा रही है। देख कितना बड़ा है। ए वाह कितना बड़ा है जी। देखो देखा जा रही है लगी तो देखा देखा बेटा देखा देख देखिए देख दादी सब चुबा रखे दादी सब काई बरन है बरिया ही है ना दोनी नहीं सुझा इतना दूर ले छोड़ दले इतना दूर से छोड़ के फोर दे इतना दूर से ही दे फोर दे लगा फिर उसमें फर दे रहा है। हाँ नहीं सोचो इगला फर लाइन की ना लाइन इगला इगला फर लाइन है इगला। तो पानी दीजिए जेर के पास वहाँ। ये चाय बना रहे हैं वो भी तुलसी पत्ता का। तो गुड़ दी है ना और तुलसी पत्ता दिया है थोड़ा लौंग उंग है तो डाल दीजिए। डाल दे रहे यहाँ कितना दूध दे दिए देखिए एक डेक्ची दूध हो गया है और इतना का हम लोग अभी खीर बनाएंगे अभी। इसका सेंट तो बड़ी अच्छा आ रहा है एकदम इलायची इलायची और एक बिल्ली भी आ गया इसका सेंट सुन के। हेलो दोस्तों नमस्ते एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरा ब्लॉग चैनल पे। तो देखिए दोस्तों अभी शाम शाम का समय है और अभी देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मकई लगाए हैं जोंधरा लगाए हैं देखिए। तो यहाँ पे हम लोग पटा रहे हैं दोस्तों अभी हम पानी उनी दिए हैं है ना और थोड़ा सा दे देंगे यहाँ पर है ना और यहाँ दे देंगे। अभी सूख रहा है बहुत गर्मी अभी बहुत तेज़ है पानी उनी भी अभी नहीं पड़ रहा है ना तो हम लोग को भी पटाना पड़ रहा है। देखिए आज भी बहुत खतरनाक वाला गर्मी था बहुत तेज धूप उगा था और बहुत गर्मी लग रहा था। देखिए अभी शाम का समय है तो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। और दादी यहाँ पर लगाई है वो लौकी का पेड़ लौकी का लत देखिए बड़ा हो गया है लौकी का पेड़ लगाई थी और एक लौकी खा भी चुकी है और एक देखिए यहाँ पे फरा हुआ है और एक मम्मी यहीं पे कुआं में है वो पानी खींच रही है और अभी जोंधरा पटा रही है और आरोही अभी उधर खेल रही है अभी आरोही उधर तरफ खेल रही है और हम लोग इधर काम कर रहे हैं पानी उनी पटा रहे हैं। और आज दिन में थोड़ा सा हम सोए हुए भी थे सोए थे आज हमारा रही सो गए थे आज संडे का दिन है छुट्टी का दिन था तो हम लोग सो गए थे। और देखिए एक बाल्टी में इसका हालत खराब हो जाता है पानी भारी है बाल्टी तो। देखिए हम पानी खींच के ला दिए थे बाल्टी में और इन पटा रहे बारी में जोंडम पानी पटा रहे सूख गया है काफी हम लोग का ये। तो सुबह हम पापा पानी पटाए थे तो धूप के समय सूख गया और फिर ही पानी पटा रहे हैं। सुबह हम मशीन लगाए थे। दादी क्या कर रहे हैं आप दादी क्या कर रहे हैं आप हाँ मिर्चाई पटाई है झींगा पटाई है लवा पटवाई है और की करो लवा रोपी थी तो वही दादी पानी पटा रही है और इसमें दादी मिर्चाई मिर्चाई पटा रही है तभी फोरे है ना है। पानी पटा रही है दी तब फोरो है ना हमर से बोर भइ गेले देख मिर्चाई। और देखिए पानी खींच रहे हैं अभी दोस्तों सुबह में पानी नहीं खींचना पड़ रहा था सुबह में मशीन लगा हुआ था तो मशीन में पटा दिए थे लेकिन इतना तेज धूप उगा था तो पूरा सूख गया तो शाम का समय है थोड़ा सा तो इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगा और मेरा मकई भी वहाँ पट जाएगा इसलिए हम लोग अभी देखिए लगे हुए हैं। और दादी भी यहाँ पे बर्तन वर्तन धो रही है और ये भी थोड़ा थोड़ा पटा रही है लत उत जहाँ जहाँ लगाई है दादी कोहरा पटा जाए कोहरा भी पटाने जा रही दादी और कोहरा का बड़ा सा फड़ा हुआ है चार गो हाँ चार गो फड़ा हुआ है दिखाते दिखाई तो कहाँ चार गुण देख ली देखिए कितना बड़ा फड़ा हुआ है कोहंडा एगो अरे कहाँ यहाँ फड़ा हुआ है और दादी सब छुपा के रखे हैं दादी एक यहाँ बड़ा दो फड़ा हुआ है अरे यहाँ फड़ा हुआ है दादी सब छुपा के रखी है कोई दिखे ना सके यहाँ फरा है चार को मतलब फरा हुआ है चार को फरा हुआ आप उसमें पानी पटा रहे हैं ने देखा बेटा देखा देख
दादी सब छुपा के रखे दादी सब छुपा, अच्छा से देखे नहीं थे दादी। इसमें इसी में पानी, मतलब पानी पटा रही है कि और फरेगा। यहाँ केला गाछ है, केला फरा हुआ है। देख केला, देख 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 कितना पूरा केला फरा हुआ है। इसका फूल है, नीचे भी फरा हुआ है। इतना दूर ले छोड़ दे, इतना दूर से छोड़ के फोर दे, इतना दूर से ही दे फोर दे लगा ले, फिर उसमें फोर दे रहा है। हां नहीं तो इगला फोर ले नहीं, किना लगला इगला फोर ले नहीं, इगला इगला हां आरो फोर दे दे ले ना भेल आ भी। ओ देख पेड़ का गाछ, केला तो ले देखे। हां देख ये लेके जा रहे हैं पानी। कहां लेके जा रहे हैं पानी? पानी पटाएं उधर, पानी पटाने के लिए जा रहे हैं। तारूज वहाँ रोपे हुए हैं, मम्मी रोपी हुई है, तो ही बाल्टी लेके पानी लेके जा रहे हैं पटाने के लिए। और पापा भी गए हैं उधर, मतलब पटाने के लिए कुछ रोपे हुए हैं, तो वही गए आगे है यहाँ। हाँ देखिए ना, हाँ यहीं पे दीजिए ना पानी, इसी में पानी पटाने के लिए आए हैं। दो फरा हुआ है, पकेगा तभी इसको तोड़ा जाएगा ना, गदराएगा, मतलब बड़ा अच्छी होगा और थोड़ा सा रहेगा। इसको घास उस कबाड़ देते हैं, छोड़ दीजिए मम्मी, देख के नहीं कब आ रही है घास, इसको साइड कर दो कम से कम। नहीं छोड़ दीजिए, मर उठ जाएगा तो नहीं मरे बिल्कुल। इसका लतवा देखने का करी, अरे लतवा यहाँ पर है, ये लत है तरबूज का, लत यहाँ पर है, गजार बहुत हो गया। ये छुएगा नहीं, उसको दबिएगा नहीं, मर जाएगा। थोड़ा सा घास उस हो गया था तो वही निकाल दे रहे, कबाड़ दे रहे हैं। उसे साफ कर देंगे थोड़ा सा हल्का सा और उसमें पानी देंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका जो है घास हम लोग का पूरा बारी में हो गया है। देख दो बार बरसात हुआ था उसमें पूरा घास हो गया, और अभी तो पानी नहीं पड़ा तो घास भी मर रहा है इसे। लेकिन यहाँ पे पानी दे रहे थे तो यहाँ पर देखिए इसका जड़ यहाँ पर है तरबूजा का, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा घास हो गया था, थोड़ा सा निकाल दिए, इसको साफ कर दिए और पानी दे दें यहाँ पर। दोस्तों चींटी भी काट रहा है, बड़ी चींटी होगा वहाँ। थोड़ा पानी दीजिए जेर के पास, वहाँ अब अंधेरा होने वाला है। पानी नहीं पर मतलब पटाना हो गया, अब घर जाएंगे और संझा वंझा दिखाएंगे और घर का काम करेंगे, खाना बनाएंगे और एक बाल्टी पानी हम लेके रख देंगे वहाँ पे। और दोस्तों देखिए, अभी बारी पटा के जस्ट अभी बाहर तरफ आ गए हम, रोड के बाहर तरफ, और आरो इधर खेलते ही है गाड़ी से। और आरो की मम्मी देखिए, अभी शाम का समय है तो वो अभी संध्या दिखा रही है, तो देखिए किस प्रकार से ये रोज शाम को हम लोग का घर में संध्या दिखाया जाता है। दोस्तों सांझ बेला में जितना भी घर फूट गया, क्या हवा चल रही है, क्या और चीज चलाई, हवा चल रहा है ना, इधर की जलाई हवा चल रहा है दोस्तों, हवा में बुझ जा रहा है बत्ती एगो। इसको कौन सी है, वो कपड़ा है, बढ़िया कपड़ा है, बढ़िया कपड़ा का बाती बनाए हैं। तो घर घर में हम लोग को दिया संध्या दिखाना पड़ता। तो देखिए ये जो देख रहे हैं, ये जगन्नाथ जी का जो हम लोग लाए थे, पूरी से लाए थे क्या, हाँ पूरी से लाए थे, और ये भी लक्ष्मी माता को भी हम लोग पूरी से लाए थे। और वो जो है धाम है कोई ना, कौन धाम, रजरप्पा धाम, कौन नाम है ये, राम मंदिर का, और ये गणेश जी और लक्ष्मी जी का फोटो है, तो सांझ दे दिए हैं। तो दोस्तों अभी संध्या दिखाने के बाद अभी देखिए हम लोग इधर आ गए हैं किचन रूम में, और किचन रूम में देखिए चाय बना रहे हैं, वो भी तुलसी पत्ता का।
तो गुड़ दी है ना और तुलसी पत्ता दिया है, थोड़ा लौंग उंग है तो डाल दीजिए, डाल दे रहे। और मम्मी गई थी मार्केट ना, मार्केट से ही दूध लेके आई है, थी गुड़ लेके आई है और नीमकी लेके आई है। और देखिए यहाँ पे हम लोग का दूध सीज रहा है कढ़ाई में, और ये दिन का दूध है ना, तो दिन का दूध है दोस्तों। और हम लोग आज खीर बनाएंगे, तो देखिए डेगची में हम लोग तावना दे दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, मिट्टी दे दी है, ताकि हम लोग जो है कारीक ज्यादा नहीं होगा। इसको देखिए इसमें पानी दे दिए हम लोग, छाई दे दिए हैं, और ये वाला चूल्हा में चढ़ेगा इसमें, तो ये जो है काला हो जाएगा, और इसको जब साफ किया जाएगा तो ये साफ होने में बहुत मैंने जल्दी से छूट जाएगा, इसलिए इसको मिट्टी का लेप दे दी है मम्मी। और दूध सिजा रही, तो आज हम लोग के घर में भी खीर बनेगा और मम्मी यहीं पर है, तो ये खीर बनाने का तैयारी कर रही है मेरा मम्मी। हाँ कौन सी दे दीजिए, लौंग दे दीजिए और तुलसी पत्ता डाल दिए, लौंग दे दीजिए, इलायची भी डाल दीजिए, को इलायची भी डाल दे। हाँ और एथी है क्या, दालचीनी, दालचीनी नहीं है, दालचीनी दे, एथी देखना होगा, देख लीजिए अगर है तो डाल दीजिए। दोस्तों मेरा एक दो दिन पहले थोड़ा सर्दी हुआ था और गला वाला खराब था, इसलिए थोड़ा सा गरगरा वरगरा करेंगे नमक उमक से, यहाँ पे थोड़ा सा दर्द कर रहा है, और जो है थोड़ा सा बुखार बुखार टाइप का भी लग रहा है, इसलिए तुलसी उलसी का पत्ता होता कचाई होना पियेंगे, ताकि वो एंटीबायोटिक है। और देखिए बगल का घर का बच्चा लोग आया है, और दादी यहाँ पर है और अनु है, तो चाची गई है मायके, तो अभी दादी को करना पड़ रहा है अकेले, तो दादी अभी लोहा बना रही है, लगता है कि बारी वाला लोहा तोड़ी है ना, हैं किना लोला है, हमको लगा जो बारी में अभी दिखाए थे वही वाला तोड़ के लाई क्या दादी। और देखिए मम्मी यहाँ कितना दूध दे दिए, देखिए एक डेगची दूध हो गया है, और इतना का हम लोग अभी खीर बनाएंगे अभी। और थोड़ा पानी भी इसमें लगता मिला है ना, इतना दूध तो नहीं है, हल्का सा पानी दिए, हल्का सा पानी भी मिला होगा, और इतना दूध अभी बचा हुआ है, तो इतना दूध है हम लोग का घर में, दूध इतना होता है, फिर भी हम लोग मोटाते नहीं है हम, और खास करके आरोही की मम्मी की बात कर रहे हैं, और आरोही का भी बात कर रहे हैं, आरोही भी पतली दुबली है ना पता नहीं हम लोग का शरीर नहीं लगने वाला है, चाय यहाँ पे लगता है बन गया है, अभी बाहर उतार दीजिए इसको, तुलसी पत्ता की चाय तो इसको गार दीजिए थोड़ा ठीक से, हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो दोस्तों देखिए तुलसी पत्ता का चाय है, जो अभी इसको चाय छकनी छाँक दिए हैं, और ये वाला खाएंगे पिएंगे अभी, सॉरी खाएंगे नहीं पिएंगे अभी, और इसी से अभी बुखार और गला का खराश है ना, और गला सर्दी सब ठीक करेंगे इसी से क्या, और यह गर्मी, और कर्मी बैठी है तो पीढ़ा में हम भी बैठ गए कर्मी के साथ, और उधर मम्मी है तो उधर गाय बांधेगी, और बकरी सब देखिए मेरा अंगना में ही अभी बैठा हुआ है, सब बांध दिए हैं तो बैठ गया है। और दोस्तों देखिए हम लोग का जो है खीर जो बन के रेडी हो गया है ना, और इसको ठंडा करने के लिए इसको मम्मी को बोले हैं, गरम काफ़ी है तो ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। कैसा बना इसका सेंट तो बड़ी अच्छा आ रहा है एकदम, इलायची इलायची, अरे बिल्ली भी आ गया इसका सेंट सुन के, तो हमको जुड़ा दीजिए। और आप देखिए दोस्तों जो गंजी पहने थे तो मैं इतना गर्म लग रहा है, खोल दिए, और मम्मी जो खीर बना रही थी देखिए बांट लिए हम, बन गया तो बांट लिए यहाँ पर, आरे को बांट दी यार यहाँ बैठ गई आके, और गर्मी लग रहा है इस लोग को भी, तो ये लोग अभी बाहर में सोई है, और हम अभी खीर जो है इसको जुड़ाने के लिए दिए हैं दोस्तों, जुड़ाएगा तो खाएंगे, भूख भी लगा है ना, और थोड़ा लाइट है यहाँ पर, लाइट से थोड़ा सा साइड करके यहाँ बैठते हैं, करके पोका माकर यहाँ उड़ रहा है, उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कैसा लग रहा है, आइए तो आइए, आइए तो जल्दी आइए,
तो दोस्तों खाने में तो बहुत टेस्ट लगा है ना, इलायची इलायची दे के बनाई है मम्मी है ना, और किशमिश भी दी है और गड़ी भी दी है ना, तो खाने में बहुत टेस्ट है, बहुत मज़ा आया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग शाम यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के दोस्तों बाय बाय।